सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो बैंकिंग को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे देख रहे हैं ये आपको बांध के जरूर जाना पड़ेगा, सर आपको नंगे नहीं रखना पड़ेगा। चला आप आगे ये पीपल का पेड़ बहुत ही पुराना देख सकते हैं, यहाँ पे लोग अपने स्वेच्छा से ही सफाई करते हैं। यहाँ पे आप भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे। यहाँ पे देखिए गालियों को झुकने से बचाने के लिए ये उपाय किया गया है। देख सकते हैं जगह जगह लगाए हुए ये ताकि डालियां नीचे ना झुके। ये बाबा साहेब जो 24 घंटे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते रहते हैं, गुरुग्रंथ साहिब कहीं पढ़ना बंद नहीं होता। इस
पुरानागार आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आप स्नानागार देख सकते हैं, यहाँ पे महिलाएं को स्नान करने के लिए यहाँ पे बना है। स्नान करके महिलाएं यहाँ पे अपने कपड़े चेंज कर सकती हैं। और ये खूबसूरत गार्डन, जैसा कि आप देख सकते हैं खूबसूरत गार्डन यहाँ पे बना हुआ है। और ये लड़की जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसने ज़रूर सफाई कर रही है। यहाँ पे सब बताते हैं कि केसर के वो लगे रहते हैं, पता नहीं क्या। यहाँ पे सभी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। दोस्तों ये छोटा सा स्नानागार है, आप यहाँ पे मेले के समय यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। अभी किस समय? दीपावली के समय। दीपावली के समय यहाँ पे मेला लगता है और यहाँ पे बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ होंगी, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। बाबा यहाँ पे इसकी रक्षा करते हुए। ये कौन सा दोस्तों ये यहाँ पर अजायब घर है। यहाँ पे बहुत सारी आप फोटोज और उस समय की जो आप यहाँ पे लिखा भी गया है, फ़ोटो खींचना मना है और सेल्फी लेना भी इसके अंदर मना है। इसमें जो उस पुराने ज़माने के जो कई सारे लोग थे सिख धर्म के, तो उनके यहाँ पे इतिहास की सारी कहानियाँ यहाँ पे घेरी गई हैं, तो आप लोग इसको अंदर देख सकते हैं जाकर। और यहाँ पे इस समय अरदास चल रहा है। तो दोस्तों हम लोग फाइनली यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं और इस समय हम लोग जा रहे हैं लंगर खाने। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप आए लंगर का जरूर मजा लें। तो यहाँ पे एनी टाइम चाहे जब भी 24 घंटे में चाहे जब भी आप आए आपको यहाँ पे भोजन की व्यवस्था जरूर मिलेगी, तो आप लोग प्रसाद जरूर ग्रहण करके जाइएगा। लंगर खाते हैं, लंगर खाते हैं, लंगर खाते हैं।
दोस्तों यहाँ से आप थाली ले सकते हैं लंगर खाने के लिए। देखिए तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग इसमें गुरुद्वारे से बाहर आ गए हैं और यहाँ पे हम आते समय जो हम लोगों ने जूते चप्पल जमा किए थे और हेलमेट यहाँ से टोकन दिखाकर हम लोग अब वापस ले लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग अपने घरों को निकलेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों सब्सक्रिप्शन के अलावा आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।